आपको बता दें कि नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने लडौरा में एक बार फिर पीएम आवास योजना में धांधली की जांच की है। इस बार शिकायतकर्ताओं को साथ लेकर मामले की जांच की गई है। लडौरा निवासी इसरार नसीम इकबाल इमरान मोनिस ने डीएम एसडीएम और सचिव को शिकायती पत्र देकर बताया था कि लडौरा में पीएम आवास योजना का लाभ आपात लोगों को दिया जा रहा है। यह भी आरोप था कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पहले से ही 2 मंजिल पक्के मकान बने हुए हैं, उसके बाद भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। 5 फरवरी को नायब तहसीलदार ने टीम के साथ मामले की जांच की थी। इस शिकायतकर्ताओं ने आयोग में शिकायत की थी कि मामले की जांच उन जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर की गई है जिनके सहयोग से अपात्र लोगों को लाभ दिया गया है, जिस पर आयोग ने शिकायतकर्ताओं के साथ मामले की जाँच के आदेश दिए थे। 14 मकानों की हमने शिकायत कर रखी थी, वे मकान अपात्र थे और आज अधिकारी आए, हम भी साथ गए। जो पहले जांच हुई उसमें हम कोई साथ नहीं था, लेकिन आज जो जांच हुई इसमें हम साथ थे। और ये पहले जो शिकायत थी और वो जांच हुई थी उसमें जनप्रतिनिधि साथ थे, लेकिन आज हम साथ थे। और आज जो जाँच हुई वो जाँच करके ले गए 14 मकानों की, जो रिपोर्ट लगेगी देखेंगे, उससे संतुष्ट नहीं हुए तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद निसार का जो प्रार्थना पत्र था नगर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र व्यक्तियों को धन आवंटित कर दिया गया, इस संबंध की जांच ही तो उनके द्वारा नगर पंचायत द्वारा जहां जहां जो मकान दिखाए जा रहे थे वो मैंने पहले देख लिए थे, उस दिन आप भी साथ थे। और इस बार मैंने वो शिकायतकर्ता को साथ लेकर के जो है इनके पुराने मकानों का निरीक्षण किया।